guys, welcome back to my channel. And if you are new to my channel, then welcome to my channel. And sorry, आज मैंने ये बन ही डाला है because मुझे बिल्कुल भी time नहीं मिल रहा है video shoot करने के लिए. तो मैंने सोचा जैसा है बस वैसे ही ये video shoot करना complete कर दूँ. तो आज मैं फिर से एक video product review करने वाली हूँ जो कि काफी requested था. And ये मैं review करने वाली हूँ Blue Heaven Expression Pan Stick. जब मैंने Olivia Pan Stick review की तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि मैं इसे भी रिव्यू करूं एंड दोनों के बीच एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊं. तो कंपैरिजन वीडियो मैं इन फ्यूचर बनाऊंगी. तो सबसे पहले मैं इसे रिव्यू करती हूं. तो चलिए जल्दी से रिव्यू को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पैकेजिंग की. तो ये कैसे कार्डबोर्ड केस पे आता है जिसमें आपको की इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिल जाएंगी एंड कैसे अप्लाई करना है वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है. देन आपको यहाँ पे एमआरपी मिल जाती है. ये 95 रुपीज का है ओनली विच इज़ टू डैम अफोर्डेबल. एंड इसकी क्वांटिटी मुझे क्वांटिटी मिलती है तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ. कुछ इस तरीके का दिखता है और ये ऐसे ब्लू केस में आता है. इसका लॉक काफ़ी अच्छा है तो आप इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो. उसका लॉक बिल्कुल भी खुल नहीं जाएगा. देन यहाँ पे एक ऐसा कुछ है जिसे अगर आप रोटेट करोगे तो ये पैन स्टिक ऊपर आएगी ऐसे. एंड देन अगर आप इसे नीचे करोगे तो ये नीचे आ जाएगी. ये 100% वाटरप्रूफ है ऐसा ये क्लेम करते हैं. आई डोंट नो, अभी तक मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है. बाय द वे मेरा शेड है 03 नेचुरल एंड यहाँ पे ग्राम लिखा है. दिस इज 11.5 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट विच इज वेरी गुड. अभी हम मूव ऑन करते हैं डेमो पे. डेमो के बाद हम आके फिर से इसके बारे में बात करेंगे. मैं इसे डायरेक्टली अप्लाई करूंगी. इसे फेस के हाफ साइड पे एक ब्रश के साथ अप्लाई करूंगी एंड इस साइड पे एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ. तो अभी मैं इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करती हूँ. मैं इसे सर्कुलर मोशन में बफ कर रही हूँ. एंड यू कैन सी ये कितने इजीली ब्लेंड हो. अभी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ट्रैक करती हूँ. तो अभी मैंने इस साइड पे भी अप्लाई कर दिया है. लेयर में मैं देख सकती हूँ कि इसने मेरे फेस को काफी लो कवरेज दिया है, लाइक शियर कवरेज दिया है. कवरेज से मैं बिल्कुल ज्यादा हैप्पी नहीं हूँ बिकॉज कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसका कवरेज काफी हाई होना चाहिए. तो अभी मैं इसे एक बार और लेयर करूंगी ताकि हम कवरेज देख सके. एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे मेरा ड्राई पैच था जो कि अभी भी विजिबल है. मैंने मॉइस्चराइजर लगाया उसके बाद बट ये पैन स्टिक बिल्कुल भी ये ड्राई पैच पे जाके क्लीन नहीं किया. ये ड्राई पैच पे जाके सेटल नहीं हुई विच इज़ अ रियली गुड थिंग. तो अभी मैं इसे और एक बार अप्लाई करूंगी. इस बार मैं थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई करूंगी. आई नो मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ बट मैं सेम इससे जाऊंगी. इस साइड पे ब्रश एंड इस साइड ब्यूटी ब्लेंडर. डेमो देख लिया होगा. इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, फिनिश सब कुछ के बारे में. एंड इसका कवरेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका कवरेज काफी लो है. थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था. इसका कवरेज शियर टू मीडियम कवरेज है, लाइक मीडियम तक भी नहीं जाता है, मीडियम एंड शियर के बीच तक जाता है अगर आप इसे लेयर करोगे.
फर्स्ट आपको एप्लीकेशन में सिर्फ शेयर कवरेज मिलेगा, बट जब आप उसे एक बार लेयर करोगे तो आपको शेयर टू मीडियम के बीच में शेयर मीडियम कवरेज मिलेगा। ऐसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है, बट स्टिल ये ब्लेंड करने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप इसे इजीली ब्लेंड कर सकते हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है ब्लेंड करने में। मैंने इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी अप्लाई किया था एंड एक ब्रश के साथ भी। अब आप पूछोगे मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं आपको कहूँगी कि मुझे ब्रश से थोड़ा सा लाइक टीनी माइनी डिफरेंस है कि ज़्यादा कवरेज मिला, बट मुझे फिनिश ब्यूटी ब्लेंडर की अच्छी लगी। जब मैंने इसे ब्रश के साथ ब्लेंड किया तो मुझे थोड़े से यू नो ब्रश के स्ट्रोक्स दिखे, बट जब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ किया तो मुझे यू नो काफ़ी अच्छे से एप्लीकेशन मिल गया। आप इसे कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो, बट कंसीलर में मुझे एक बात ये लगी कि इसका कवरेज मीडियम भी नहीं है, तो ये आपके अगर यू नो ज़्यादा डार्क सर्कल से ज़्यादा या फिर डार्क स्पॉट से पिंपल के यू नो निशान है या ऐसा कुछ है तो फिर ये इतना हाइड नहीं कर पाएगा उसको। बट तो मैं कहूँगी कि अगर आपको ज़्यादा डार्क सर्कल से एक्नेस मार्क्स से वगैरह है तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये इन्हें हाइड नहीं करने वाला। बट अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जो सिर्फ आपके फेस को इवन आउट कर दे एंड थोड़ा बहुत कवर कर दे तो फिर आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड अभी बारी आती है इस प्रोडक्ट को रेट करने की, तो मैं इसे 5 में से 3 दूंगी। अगर इसका कवरेज ज़्यादा अच्छा होता एंड शेड रेंज ज़्यादा अच्छी होती तो ये प्रोडक्ट लाइक बॉम्ब प्रोडक्ट बन जाता, बॉम्ब प्रोडक्ट। आई रियली होप कि आपको ये मेरा शॉर्ट रिव्यू वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाय द वे आई डोंट नो शॉर्ट है भी ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया, बट आई रियली होप यू एंजॉयड द वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।